अयोध्या, अयोध्या नाम का मतलब होता है जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। अयोध्या जी उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जो कि हमारे प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि भी है। और अगर हम बात करें कि हम अयोध्या कैसे आए, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है जहाँ पर देश के विभिन्न स्टेशन से ट्रेन आती जाती है। यहाँ पर एयरपोर्ट भी है जो कि फिलहाल एक्टिव नहीं है। यहाँ से सबसे पास गिरने वाला एयरपोर्ट लखनऊ का है, जो कि 135 किलोमीटर यहाँ से उसकी दूरी है। साथ ही अगर आप बसेस से यहाँ पर आना चाहते हो तो नागपुर, गोरखपुर और लखनऊ से भी आप यहाँ पे बस से डायरेक्ट आ सकते हो, जबकि मैं अपने नागपुर सिटी से ट्रेन का सफर करके यहाँ पे पहुंचा हूँ। Hey everyone, welcome back to our new video on channel सफर करो सफर। तो आज हम आए हैं श्री राम जी की जन्मभूमि श्री अयोध्या जी में, और अभी हम जा रहे हैं सरयू नदी की ओर। वहाँ से हम स्नान करके श्री राम जी और हनुमानगढ़ी की ओर दर्शन करने जाने वाले हैं। आज का पूरा दिन हम अयोध्या में बिताने वाले हैं और यहाँ की सभी जो भी फेमस प्लेसेस है वह हर जगह हम विजिट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं ट्रेन से नीचे उतरा और आप मेरे आगे देख सकते हो अयोध्या जी का रेलवे स्टेशन है, जो कि पूरा मंदिर के समान यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ से मंदिर की दूरी 500 मीटर की दूरी पे है, जो कि आप चल के भी जा सकते हैं, और अगर आपके पास लगेज हो तो आप ई रिक्शा भी कर सकते हो। अगर हम बात करें अयोध्या जी में स्टे कहाँ करें, तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारी धर्मशाला देखने को मिलती है, या फिर आप होटल रूम भी कर सकते हो, जिसका चार्ज 500 से लेके 2000 तक हमको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद अभी हम आए हैं नया घाट, जहाँ से हम निकल रहे हैं सरयू की ओर। यहाँ पे राम की पैड़ी भी है। अभी जो एरिया में हम हैं उसका नाम है नया घाट। वैसे काफी जगह है यहाँ पर घूमने के लिए, वो सब जगह हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु भक्तजनों का आगमन होते देख पा रहा हूँ। और अभी तो सिर्फ मंदिर का काम चालू हुआ है, जो कि 2024 तक पूरा हो जाएगा। राम की पैड़ी का भी आप देख पा रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर जब बनेगा वो कितना अद्भुत होगा। एज यू कैन सी गाइस, इट्स रियल लुक ऑफ अयोध्या। और रात के समय ये वो हमें और भी शानदार देखने को मिलता है। 2019 में दीपावली के अवसर पर राम की पैड़ी पे 4,50,000 दिए जलाकर गिनी रिकॉर्ड बनाया है। इतने सारे दिए, मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो टाइम में यहाँ का भी कितना अद्भुत होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये सेफेस्ट प्लेस बनाया है, जिनको भी स्विमिंग नहीं आती। आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल से ज़्यादा एंजॉय लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अगर बात अयोध्या जी की हो रही है और हम सरयू नदी का वर्णन ना करें तो अयोध्या जी की गाथा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि श्री राम के जन्म से लेके वनवास और वैकुंठ प्रस्थान किया आज तक की साक्षी रही है। फिर भी इस नदी को एक शाप है, जिसकी वजह से पूजा कामों में इस नदी का जल का हम उपयोग नहीं कर सकते। पवित्र सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करने हेतु प्रतिदिन यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। फिर भी इस नदी को एक श्राप है, जिसके वजह से इस नदी का पानी पूजा कामों में यूज नहीं होता है। सरयू नदी के बारे में कुछ रोचक बातें जो कि एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाएं, जिसके वजह से आने वाली वीडियो आपको पता चल सके। और अभी हम निकले हैं हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि और कनक भवन की ओर, जो कि हमें एक ही रोड पे देखने को मिलते हैं। तुलसी उद्यान राम की पड़ी से 200 मीटर की दूरी पे है। तुलसी उद्यान गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित है। इस पार्क को पहले विक्टोरिया पार्क के रूप में भी जाना जाता था और पार्क के मध्य में रानी विक्टोरिया की मूर्ति हुआ करती थी। बाद में 1960 में इसे तुलसी उद्यान का नाम दे दिया और गोस्वामी तुलसीदास जी की एक मूर्ति यहाँ पर स्थापित की। यहाँ पर आप इवनिंग के टाइम में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो आप अगर अयोध्या आ रहे हो तो पक्का यहाँ पे विजिट कीजिए। तुलसी उद्यान से हम सीधा हनुमानगढ़ी की ओर आ गए, और ये वह जगह है जब रावण वध के बाद श्री राम जी और उनकी सेना अयोध्या लौटी थी, तब ये मंदिर प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को दिया था और उन्हें कहा था कि कोई भी भक्त मेरे दर्शन की अभिलाषा रखेगा और अयोध्या आएगा तो वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करके आएगा। और ये बात का वर्णन हमारे अथर्ववेद में भी है। तो आइए चलिए देखते हैं हनुमानगढ़ी।
हनुमान गढ़ी में मोबाइल का इस्तेमाल होगा या नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको हनुमान जी के दर्शन करा पाऊं। यह मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच बना है और माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। को बता दूं कि हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों को यहाँ पे 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। इस मंदिर की सभी दीवारों पे हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ भी लिखी हुई है। हनुमानगढ़ी से 100 मीटर की दूरी पे हमें दशरथ महल देखने को मिलता है, जो कि दशरथ महल श्री राम जी के पिता राजा दशरथ जी का महल था। यहाँ राजा दशरथ अपने परिवार के साथ रहते थे। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ घूमने के लिए ये वास्तव में एक आश्चर्यजनक और शानदार जगह है। दशरथ भवन मॉर्निंग में 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 10 बजे तक खुला रहता है। कनक भवन राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व दिशा में है और कनक भवन अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि यह भवन माता कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था, जिसे भगवान राम और सीता ने अपना निजी भवन बना लिया था। और ऐसा माना जाता है कि कनक भवन का पुनर्निर्माण द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो पक्का यहाँ पे विजिट कीजिए। और अब हम जाने वाले हैं श्री राम जी के जन्मभूमि की ओर। एंट्रेंस पर हमें देखने को मिलता है आरती पास काउंटर, मतलब अगर हमें आरती का लाभ लेना हो तो हम यहाँ से उसका बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम उसके पास का बुकिंग कर सकते हैं, जिसका टाइम है सुबह 6 बजे से रात के 7 बजे तक ये काउंटर चालू रहेगा। राम जन्मभूमि में प्रतिरोज 3 बार आरती होती है, जिसका टाइमिंग है सुबह 6 बजे और दोपहर के 12 बजे और शाम 7 बजे। आगे जो दिख रहा है वो पूरा स्थान राम जन्मभूमि का है। यहीं से लगभग 500 मीटर तक चलकर जाके हमें दर्शन करना होता है। यहाँ पर हमें लॉकर में मोबाइल, कैमरा, पर्स सब डिपॉजिट करना होता है, क्योंकि भारी सिक्योरिटी है यहाँ पे, तभी आप अंदर जा पाओगे। राम जन्मभूमि के निकट ही अमावा राम मंदिर है, यहाँ पे सीता माँ रसोई घर भी है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाना बनता है, तो वो भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। अब लगभग मंदिर का 75% काम हो गया है और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ पर आइए, दर्शन करिए। दर्शन करके आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। सो भाइयों, श्री राम जी के दर्शन करके अभी हम सीधा हमारे रूम पे आए हैं और यही रूम हमने बुक किए थे कल।
24 घंटे के लिए, जिसका चार्ज मात्र 500 रुपये लिया था। और अभी हम यहाँ से हमारी नागपुर के लिए बस है। और अयोध्या जी का दर्शन करके आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।